डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 3 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत संभालने को तैयार। ये दरअसल 1 अगस्त से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाला है और इस दौरान यह 3 प्रमुख क्षेत्रों जिसमें समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षण और आतंकवाद को रोकने संबंधी विशेष कार्यक्रमों की मेजबानी किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ये अभी राजदूत PS मूर्ति हैं और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल के कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। अगस्त की अध्यक्षता सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 के कार्यकाल के लिए यह भारत की पहली अध्यक्षता होगी। भारत अपने 2 साल के कार्यकाल के अंतिम माह यानी अगले वर्ष दिसंबर में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसके 15 सदस्य हैं जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं और भारत का इसमें अस्थायी सदस्य के तौर पर 8वीं बार चुनाव चयन हुआ है और भारत को पिछले वर्ष 192 में से 184 वोट मिले थे। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से भारत का GDP 3 गुना हुआ। ये हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता एरिक मॉस्किन ने कहा है कि वैश्वीकरण ने एक पीढ़ी में भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 3 गुना वृद्धि कर दिया है लेकिन देश में इसका लाभ श्रमिकों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ये व्यापक समृद्धि आई है लेकिन इस वजह से श्रम और आय में काफ़ी असमानता बढ़ी है। नेक्स्ट है सेवा के क्षेत्र के लिए तय होंगे मानक। ये पीयूष गोयल ने कहा है। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इन्होंने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी IACC NIC के 2रे भारत अमेरिका सेवा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत में हम सेवाओं के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मानक बना रहे हैं जिनमें हम बाकी दुनिया को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की पेशकश कर सकेंगे, चाहे वह वित्तीय प्रौद्योगिकी हो या शिक्षा प्रौद्योगिकी हो या फिर टेलीमेडिसिन हो। भारत तेजी से दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बनने की ओर अग्रसर है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2001-02 में जहाँ भारत में सेवाओं का निर्यात केवल $17 अरब था वही अब 2020-21 में यह बढ़कर $205 अरब पहुँच गया है। और इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विधि और सेवा के क्षेत्र में भारतीय अधिवक्ता शीर्ष स्तर के हैं और दुनिया भर में उनके लिए काफ़ी अवसर उभर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद की अवधि में देश के आर्थिक पुनरुद्धार में संवाद क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। नेक्स्ट है दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नशा मुक्ति केंद्र 1 स्टॉप सेंटर सूर्योदय का उद्घाटन किया है। यह महिला एवं बाल विकास विभाग और दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायिक समिति की एक पहल है। इस 1 स्टॉप सेंटर में ड्रग की समस्या से जूझ रहे लोगों के संपूर्ण विकास पर जोर दिया जाएगा और यह बच्चों को मादक द्रव्य से दूर रखने का एकमात्र तरीका है और इसके माध्यम से उनका पुनर्वास करना है तथा यह लाभार्थियों को नशीली दवाओं का सेवन नहीं करने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ये ई-रूपी लॉन्च किए हैं। यह व्यक्ति और उद्देश्य केंद्रित डिजिटल भुगतान व्यवस्था है और इसका मकसद सरकार के लाभार्थियों के बीच बेहद सीमित संपर्क के साथ लक्षित और सुरक्षित तरीकों से लाभार्थियों तक समुचित लाभ पहुंचाना है। दरअसल ये रूपी डिजिटल भुगतान की एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस व्यवस्था है और इसके तहत एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित एक ई-वाउचर लाभार्थियों के मोबाइल तक पहुँचाया जाता है और इसे लाभार्थी किसी भी कार्ड को डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग किए बिना भुना सकेंगे। लोक कल्याणकारी सेवाओं की लिक
ये प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में इसे एक क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है और इसका उपयोग मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवा व पोषण उपलब्ध कराने वाली योजनाओं, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी ये ड्रग्स और डायनास्टिक्स और उर्वरक सब्सिडी जैसी परियोजनाओं के तहत भी संवाद देने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है मालदीव के तर्ज पर भारत के लक्षद्वीप में भी ये 3 जहाज महलों का निर्माण होगा। लक्षद्वीप के मिनिकाय, ये कदमत द्वीप और सुहेली द्वीपों पर भी अब मालदीव के तर्ज पर 3 ताजमहल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा, जो कि देश में अपनी तरह का पहला होगा और इसकी लागत, कुल लागत लगभग 800 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट है नितिन गडकरी ने ये हाल ही में केरल में कुथीरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है। केंद्रीय सड़क और जलमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में 1.6 किलोमीटर लंबे कुथीरन सुरंग के में एक छोर को ये खोलने का निर्देश दिया है और यह राज्य की पहली सुरंग है और इसे केरल की तमिलनाडु एवं कर्नाटक से जुड़ने में काफ़ी सुधार होगा और यह सुरंग पीछी वजहानी वन्यजीव अभयारण्य से होते हुए गुजरेगी। नेक्स्ट है ये दीपक दास हाल ही में भारत के महालेखा नियंत्रक के पदभार संभाले हैं। दीपक दास ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत ये महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है इन्होंने और ये सीजीए पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। दरअसल ये सीजीए यानी महालेखा नियंत्रक ये लेखा मामलों पर केंद्र सरकार का प्रधान सलाहकार होता है। नेक्स्ट है गिलगित बल्तिस्तान को अस्थाई प्रांत का दर्जा देगा पाकिस्तान और ये हाल ही में भारत ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का पूरा क्षेत्र, पूरा केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र भारत का अखंड हिस्सा है और पाकिस्तान सरकार या उनकी न्यायपालिका का अवैध रूप से जबरन या कब्जा किए गए स्थानों पर कोई अधिकार नहीं है। दरअसल ये पाकिस्तान ने हाल ही में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया है जिसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का अस्थाई प्रांत का दर्जा देने की बात कही है। कानून एवं न्याय मंत्री के प्रस्तावित कानून के तहत गिलगित बल्तिस्तान की सर्वोच्च अपीलीय अदालत ये समाप्त की जा सकती है और क्षेत्र के निर्वाचन आयोग का पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के साथ विलय किया जा सकता है। ये दरअसल पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्री ने एक प्रस्ताव पारित किया है और उसके तहत उन्होंने कहा है कि यह गिलगित बल्तिस्तान की जो सर्वोच्च अपीलीय अदालत है उसको समाप्त किया जाएगा और उस निर्वाचन क्षेत्र को पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के साथ विलय किया जाएगा। और इसके अलावा ये विधि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान इसके लिए 26वें संवैधानिक संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और यह मसौदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक और ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में ये हाल ही में इसके शिलान्यास किए हैं केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। इन्होंने उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास ये लखनऊ में किए हैं। नेक्स्ट है सड़कों का बायोडाटा बनवा रही है ये मध्य प्रदेश सरकार और इसके लिए लोक कल्याण विभाग ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसमें प्रत्येक सड़क की पूरी जानकारी रहेगी और इससे यह पता चल जाएगा कि सड़क का निर्माण कब हुआ है, किसने बनाई है और किस विभाग की है, इसकी लागत कितनी आई है और गारंटी पीरियड क्या है, ये सब पता चल जाएगा। और इसका फ़ायदा यह होगा कि सड़क के खराब होने की जानकारी जुटाने संबंध के बारे में ये पड़ताल करने में भी परेशानी नहीं होगी।